Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसी में जो पहला व्याख्यान है हमारा वो है प्रबंधन पर यानी कि मैनेजमेंट पर इस सत्र के अंत तक आप निम्न चीज़ों में सक्षम हो पाएंगे जैसे कि हम इस सत्र में बात करने वाले हैं कि प्रबंधन की अवधारणा क्या है यानी कि उसका कॉन्सेप्ट इसके अलावा हम और बात करेंगे निम्न स्तरों की प्रबंधन के निम्न स्तरों की यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और जो हम इस सत्र में बात करने वाले हैं वो होगा मैनेजमेंट फंक्शंस यानी कि प्रबंधन के कार्य क्योंकि एक प्रबंधक बहुत सारे अलग अलग कार्य करता है तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे इसके आगे इस सत्र में हम बात करने वाले हैं कि प्रबंधन कला है या विज्ञान या एक पेशा क्योंकि अलग अलग रिसर्चर्स इसको अलग अलग चीज़ मानते हैं तो हम इस पर बात करेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि प्रबंधन कला है या विज्ञान है या फिर पेशा चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सत्र में निम्न चीजों को सीखते हैं लेकिन प्रबंधन जानने से पहले हम एक चीज पर बात करेंगे मैनेजर यानी कि प्रबंधक वो कौन होता है और वो काम कहाँ करता है हम जब प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो प्रबंधन की जरूरत या आवश्यकता पड़नी कहाँ है इस पर हमें जानने की बहुत जरूरत है तो उससे पहले हम जानेंगे कि संगठन क्या होता है एक संगठन कुछ विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ लाए गए लोगों की एक व्यवस्थित व्यवस्था होती है यानी कि जो लोग साथ में आए हैं वो एक कॉमन गोल एक गोल पर बात करते हैं एक लक्ष्य पर बात करते हैं जब भी हम किसी संगठन की बात करते हैं तो संगठन में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं अलग अलग मानसिकता वाले लोग होते हैं लेकिन फिर भी वह सब मिलजुल कर एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं जब हम संगठन की बात करते हैं तो हमें यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि संगठन की विशेषता क्या है संगठन आखिर किन पिलर्स पर खड़ा है तो ये तीन पिलर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी संगठन के लिए चाहे आप प्रॉफिट संगठन या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की चाहे आप औपचारिक संगठन की बात करें या अनौपचारिक संगठन की चाहे आप बड़े संगठन की बात करें या छोटे संगठन की बात ये सारी विशेषताएं, यानी कि ये तीन पिलर्स हर किसी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो इसमें सबसे पहला आता है लक्ष्य यानी कि गोल किसी भी संगठन में हम जब जुड़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पर एक कॉमन गोल यानी कि सबका समान लक्ष्य होता है हाँ आप ये ज़रूर कहेंगे कि वहाँ पर लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं अलग अलग तरफ जा रहे हैं लेकिन वो अलग अलग जगह क्यों जा रहे हैं जिससे कि किसी भी संगठन का एक लक्ष्य यानी कि कॉमन गोल की प्राप्ति कर सके तो कोई भी संगठन आप सोच लीजिए उन सब में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है अगर लक्ष्य नहीं है तो संगठन आगे नहीं बढ़ सकता इसका दूसरा पिलर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो होते हैं लोग यानी कि पीपल कोई भी संगठन बनता या बिगड़ता है अपने लोगों की वजह से आपने बहुत देखा होगा विद्यार्थियों कि कोई संगठन जिसके पास पैसा है सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन वो फिर भी नहीं चल पाता क्यों नहीं चल पाता क्योंकि उसके लोगों की मानसिकता आगे बढ़ने की नहीं है अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो नोकिया नोकिया में क्या हुआ नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी वो कैसे पीछे रह गई वो कहीं ना कहीं इस वजह से पीछे रह गई क्योंकि उनके पास सारे संसाधन थे बट फिर भी क्या हुआ उनके जो लोग थे वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि बदलाव की ज़रूरत है जब उन्होंने ये नहीं सोचा कि बदलाव की ज़रूरत है तो सारे संसाधन नोकिया के पास होते हुए भी जबकि वो नंबर वन कंपनी थी वो फेल हो गई तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी संगठन के लिए कि उसमें लोग कैसे हैं वो किस तरीके की मानसिकता रखते हैं क्या वो नए नए बदलावों को लेने के लिए तैयार हैं और वो खुद से उसके लिए अग्रिम कदम उठाते हैं या नहीं तीसरा स्ट्रॉन्ग पिलर किसी भी संगठन के लिए होता है उसकी संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने सुना होगा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी कि औपचारिक संरचना अनौपचारिक संरचना सेंट्रलाइजेशन जहां पर कोई एक व्यक्ति ही सारे डिसीजंस लेता है डिसेंट्रलाइजेशन जहां पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर पर निर्णय लेते हैं तो हर संगठन अलग तरीके से चलता है ये आपको सोचना है कि आपका संगठन का क्या उद्देश्य है और उस संगठन को आगे ले जाने के लिए उन लोगों का कौन सा स्ट्रक्चर में होना ज़रूरी है तो विद्यार्थियों जब भी हम किसी संगठन की बात करें तो इन तीन चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान दें कि आपका लक्ष्य क्या है यानी कि उस संगठन का लक्ष्य क्या है क्या सब लोग एकजुट होकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें लोगों की मानसिकता कैसी है और इसके अलावा स्ट्रक्चर कैसा है यानी कि उस संगठन की संरचना कैसी है क्योंकि संरचना लोग और लक्ष्य इन तीनों में एक सामंजस्य होना बहुत ही जरूरी है अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन सही ओर नहीं जा रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रबंधन क्या है क्योंकि आजकल हर जगह हर कोई प्रबंधन की बात कर रहा है और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ एक मैनेजर की बात है वो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं चाहे आप हॉस्पिटल चलाते हो, चाहे आप कोई बड़ी टेलीफोनिक कंपनी चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, हर जगह मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है अब देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स जैसे कि एफ़ डब्ल्यू टेलर हेनरी फ्योल इन लोगों ने प्रबंधन को क्या कहा है एफ डब्ल्यू टेलर के शब्दों में प्रबंधन यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मित्व्यता का पूर्ण ढंग से कैसे किया जाता है पहली चीज़ जो उन्होंने बहुत ज़रूरी कहा वो ये कि आप करना क्या चाहते हैं बहुत से संगठन इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उनको ये ही समझ नहीं है कि उन्हें करना क्या है तो प्रबंधन हमें ये बताता है कि हमें किस ओर जाना है और हमें करना क्या है इसके अलावा जब आपको ये क्लैरिटी है ये दिमाग में है कि हमें करना क्या है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको किया कैसे जाना है क्योंकि एक ही कार्य करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं अब एक अच्छा प्रबंधन वही होता है जो सबसे सही तरीके को चुनकर आगे बढ़े जो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आपको दिलवा पाए वही होता है सही मैनेजमेंट तो एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि एक कि आप ये सोचें कि आपको करना क्या है दूसरी चीज़ कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से उस कार्य को हम कैसे कर सकते हैं इसके अलावा हम बात करेंगे हेनरी फ्योल की हेनरी फ्योल ने कहा प्रबंधन से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना आदेश देना समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है हेनरी फ्योल के शब्दों में उन्होंने मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन को कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी योजना और उस योजना को किस तरीके से हम नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे हम फोरकास्ट करते हैं ये होता है जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोकिया का एग्जाम्पल दिया सैमसंग सैमसंग कैसे आगे बढ़ा नोकिया जो कि मार्केट लीडर था उसको पीछे छोड़ते हुए कैसे सैमसंग आगे बढ़ गया सैमसंग सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ा पूर्वानुमान से उन्होंने फोरकास्ट किया कि कौन सी जरूरत है आगे आने वाले कस्टमर्स को उसी तरीके से वो आगे बढ़े और उन्होंने एक अच्छे प्रबंधन का उदाहरण दिया हम सबके सामने तो हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर तो कहते हैं कि प्रबंधन ये सोचने की जरूरत है कि आप काम कैसे क्या करना चाहते हैं आप वो काम को कैसे सफलतापूर्वक करेंगे क्या आपने फोरकास्टिंग करी है क्या आपका नियंत्रण है उस कार्य पर और तभी हम आगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम व्यवसाय और संगठन के संदर्भ में प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्व तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके अब आप कहेंगे कि दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीका क्या हुआ देखिए किसी भी कंपनी को आगे बढ़ना है तो उसको इस चीज पर बहुत जोर देना पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं तो आप कौन सा तरीका चुन रहे हैं यह बहुत जरूरी है आप उस तरीके में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इनपुट्स लेकर आ रहे हैं वो बहुत जरूरी है आप आउटपुट्स को कैसे एफिशिएंटली ला रहे हैं ये बहुत जरूरी है अब देखिए जैसे -जै कि हम बात करते हैं जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं दो शब्द आपके सामने बहुत आएंगे कि एक प्रबंधक को अपना कार्य इफेक्टिवली यानी कि प्रभावपूर्ण तरीके से करना चाहिए और दूसरा शब्द जो आपके सामने बार बार आएगा वो होता है एफिशियंटली कि एक प्रबंधन को अपना कार्य दक्षतापूर्ण करना चाहिए यानी कि एफिशियंटली करना चाहिए अब विद्यार्थियों आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है वो ये कि इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है अगर हम पहले बात करें इफेक्टिवली की यानी कि प्रभावपूर्ण काम की तो ये होता है कि अगर हमें कोई कार्य मिला है और जैसे कि उसकी निर्धारित समय है आठ घंटे में हमें वो कार्य पूरा करना है और अगर हम उस कार्य को आठ घंटे में पूर्व कर पाते हैं पूर्ण कर पाते हैं तो इसका मतलब वो मैनेजर या फिर वो प्रबंधक बहुत ही इफ़ेक्टिव है यानी कि शायद आप समझ पाए होंगे कि जब भी हम इफेक्टिव होना प्रबंधन के लिए या प्रबंधक के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो अगर अपना काम निर्धारित समय अवधि में कर पाता है तो इसका मतलब वो प्रभावपूर्ण है टाइम बाउंड कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि अगर हम अपना काम सही तरीके से सही समय पर खत्म कर सकते हैं तो हम इफेक्टिव हैं कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि अगर हमको जैसे कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में कोई एक छोटा सा पार्ट हमें बनाना है और सौ पार्ट हमें एक दिन में रोज बनाने हैं और अगर हम हर दिन वो सौ पार्ट बना पा रहे हैं तो इसका मतलब हम इफ़ेक्टिव हैं यानी कि जो हमारा गोल है हम अगर उस गोल को पहुंच रहे हैं तो हम इफेक्टिव हैं यानी कि प्रभावपूर्ण हैं अब दूसरी चीज़ आती है एफिशिएंसी कि एफिशिएंट कैसे बने बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो हम इफ़ेक्टिव बन गए अब जैसा कि हम समझने की बात आती है तो हमें यह समझना है कि इफ़ेक्टिवनेस से एफिशिएंट कैसे अलग है एफिशिएंट होना इफेक्टिव होना नहीं होता हाँ कुछ लोग ये ज़रूर मानते हैं कि अगर हम अपना कार्य समय पर कर पा रहे हैं तो हम एफिशिएंट भी हैं लेकिन नहीं एफिशिएंट होने का मतलब होता है कि क्या हम अपना कार्य दक्षतापूर्व कर पा रहे हैं या हमारी कार्य की क्षमता के अनुसार हम उसमें कुछ और अच्छा कर पा रहे हैं ये होता है एफिशिएंट होना आपको मैं इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ जैसे कि अगर हम मान के चलें कि एक नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी कंपनी 10 किलो शुगर केन से 5 किलो चीनी बना पा रही है लेकिन अब कंपनी वाले चाहते हैं कि हम और एफिशिएंट हों मतलब कि वहाँ का प्रबंधन चाहता है कि हम और एफिशिएंट बने तो एक नॉर्मल सिचुएशन में दस किलो शुगरकेन से हम 5 किलो चीनी ले पा रहे हैं तो अगर आपको एफिशिएंट बनना है तो या तो आपको अपने इनपुट्स को सेम रखते हुए यानी कि अभी भी आप दस किलोग्राम शुगर केन को ही या गन्ने को ही इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सात किलो चीनी का उत्पाद कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप एफिशिएंट हो गए हैं आपने अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा दिया है इसी के साथ एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं यानी कि आपने अपना जो इनपुट है यानी कि गन्ने जो हमने 10 किलो रखे हैं वो गन्ने अभी भी 10 किलोग्राम हैं और अब आप अपना उत्पाद मतलब कि आउटपुट पाँच किलो की जगह छः किलो दे पा रहे हैं या सात किलो तो इसका मतलब शायद आप समझ गए होंगे कि हम एफिशिएंट हैं दूसरी सिचुएशन इसकी यह होती है कि अगर हम अब आठ किलो गन्ने से पाँच किलो चीनी बना पा रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी आप एफिशिएंट हैं क्योंकि आपने क्या किया आपने अपना इनपुट को कम कर दिया लेकिन फिर भी आप उतना ही आउटपुट दे पा रहे हैं जितना कि आप प्रीवियस सिचुएशन में दे पा रहे थे एक नॉर्मल सिचुएशन में आप चल रहे थे तो इसका मतलब वो कंपनी अब इफ़ेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी हो गई है मतलब कि उसने अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा लिया है तो अब शायद आपको ये समझ आया होगा कि किसी भी प्रबंधन की जब भी हम बात करते हैं तो प्रबंधन सिर्फ ये सोचना नहीं है कि हमें कौन सा कार्य करना है उससे ज़्यादा हमें यह सोचना भी है कि जो कार्य हमें करना है वो हम किस तरीके से प्रभावपूर्ण तरीके से तथा दक्षतापूर्वक उस कार्य को कर पाएँ यानी कि हम इफ़ेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी हो पाएँ उस कार्य को करने के लिए अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है तो उसका मतलब आपका प्रबंधन कहीं ना कहीं कमज़ोर है कुछ कंपनी कहती हैं कि हम इफ़ेक्टिव हो गए तो हम अच्छे हो गए नहीं दोनों का ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि इफ़ेक्टिव होने पे कंपनी ने कहा कि मुझे 8000 यूनिट बनानी थी एक दिन में मैंने बना ली लेकिन उस 8000 यूनिट को बनाने के चक्कर में उनके इनपुट्स बढ़ गए तो इसका मतलब कंपनी का प्रबंधन अच्छा नहीं है तभी ये याद रखिए कि जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन में दोनों का होना बहुत जरूरी है यानी कि आपको दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करना है चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है नेचर ऑफ मैनेजमेंट इसमें सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो है प्रबंधन एक समूह गतिविधि है यानी कि ग्रुप एक्टिविटी आप सोच के देखिए क्या कोई कंपनी क्या कोई व्यवसाय एक इंसान के भरोसे चल सकता है नहीं कहीं ना कहीं हमें जब हम लक्ष्य की बात करते हैं हम एक कॉमन गोल की बात करते हैं तो हमें अलग अलग लोग अलग अलग कार्य को करने के लिए चाहिए हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आप कहेंगे कि उन अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके की सोच होती है अलग अलग तरीके का काम होता है अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं लेकिन चाहे वो कितने भी अलग हों वो करते तो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए हैं हम तभी प्रबंधन को एक ग्रुप एक्टिविटी यानी कि समूह गतिविधि मानते हैं अगर वो ग्रुप या समूह साथ में रहकर काम नहीं करेगा तो कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता और उस व्यवसाय का प्रबंधन कमज़ोर हो जाता है जैसा कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं किसी भी कंपनी में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है एक एच डिपार्टमेंट होता है इन तीनों ही डिपार्टमेंट में कार्यरत लोगों का काम अलग अलग होता है लेकिन फिर भी ये तीनों डिपार्टमेंट अगर एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या आप सोचते हैं कि फिनेंस के बदौलत कंपनी या व्यवसाय आगे बढ़ सकता है या सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बदौलत आगे बढ़ सकता है तो नहीं तभी जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो एक समूह गतिविधि है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है अगर उस ग्रुप में कोहेसिवनेस सामंजस्य नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि कोई भी प्रबंधन तभी आगे और दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से काम करता है जब सब लोग उस समूह के लोग सारे के सारे साथ मिलकर काम करें एक ग्रुप एक्टिविटी एक टीम एक्टिविटी की तरह काम करें इसके अलावा जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन जो होता है वो डायनमिक नेचर के सिद्धांत पर बेस्ड है यानी कि इसको हम बोलते हैं सिद्धांतों की गतिशील प्रकृति हमने क्यों कहा इसको डायनामिक नेचर हमने इसलिए कहा क्योंकि आए दिन हमारे पर्यावरण में इतने चेंजेस होते हैं इतने बदलाव होते हैं कि कोई भी व्यवसाय स्थिर रहकर काम नहीं कर सकता अगर वो बदलाव को अपनाएगा नहीं तो वो फेल हो जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर से मैं वही एग्जाम्पल की बात करूंगी नोकिया वहां पर उन्होंने क्या किया उन्होंने बदलाव को नहीं स्वीकारा उन्होंने कहा जैसा हम प्रबंधन करते आए हैं वैसा ही प्रबंधन हम आगे भी करेंगे तो कहीं ना कहीं इसलिए वो फेल हुए हाँ और भी कारण हैं लेकिन ये एक ऐसा कारण है जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्रबंधन को ये समझने के लिए कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे समझना होगा कि जो हमारे सिद्धांत होते हैं वह एक गतिशील प्रक्रिया है वह स्टैटिक नहीं है वह स्थिर नहीं है वह डायनमिक है और उसके साथ साथ हमें अपने प्रबंधन अपने व्यवसाय अपनी संस्था अपने संगठन को बदलना चाहिए अपने लोगों को बदलना चाहिए इसके अलावा जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन अमूर्त है अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल। क्या आप कह सकते हैं कि आपने मैनेजमेंट को छुआ, देखा नहीं जब हम मैनेजमेंट या कि प्रबंधन की बात करते हैं तो उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है हम देखते ही कहते हैं किसी कंपनी में या व्यवसाय में कि यहाँ का प्रबंधन बहुत ही अच्छा है बहुत ही उच्च स्तर का है हम किस बेसिस पर ये कह पाते हैं हम देख पाते हैं वहाँ का लोगों का सामंजस्य कैसा है वहाँ लोग कैसे काम करते हैं वहाँ आपसी मतभेद कितने हैं वहाँ आपसी मन मुटाव कितने हैं अगर वो कम है तो लोग एक दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं जब ट्रस्ट करते हैं तो इसका मतलब कही न कहीं ना कहीं वहाँ का प्रबंधन अच्छा है तो हमने क्या देखा हमने सिर्फ महसूस किया तो प्रबंधन इनटेंजिबल होता है वो कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है वो एक इनटेंजिबल चीज़ है यानी कि अमूर्त है प्रबंधन को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं और महसूस करके आप बता सकते हैं कि क्या इस संस्था में या इस संगठन में प्रभावपूर्ण तरीके से काम होता है या कार्य क्षमता कैसी है ये सिर्फ आप महसूस करके बता सकते हैं इसके अलावा जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन सार्वभौमिक है यानी कि यूनिवर्सल है आप मैनेजमेंट के या प्रबंधन के कितने भी सिद्धांत उठा लीजिए चाहे तो वो फ्योल के प्रिंसिपल्स हों या वो टेलर की थ्योरी हो तो आप कहीं पर भी देखिए चाहे आप अमेरिका रहते हो चाहे आप भारत पर रहते हो चाहे आप एशिया में कहीं भी या किसी भी कोने में दुनिया के रहते हो, तो कहीं ना कहीं जब हम प्रबंधन के सिद्धांतों की बात करते हैं तो यह प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं हर जगह इनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सिचुएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं चीज़ों में बदलाव आता है लेकिन अगर हम एक जनरल बेसिस की बात करें तो कोई भी प्रबंधन का सिद्धांत यूनिवर्सल एप्लीकेशन का होता है इसके अलावा जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन लक्ष्य उन्मुख है यानी कि गोल ओरिएंटेड हम इतनी देर से जब प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो प्रबंधन कहाँ है किसी भी संगठन में संगठन क्या है एक गोल के लिए अग्रिम पथ पर चल रहा है तो क्या हुआ प्रबंधन कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्य उन्मुख है हम एक अच्छा प्रबंधन कैसे दर्शाते हैं इसलिए दर्शा पाते हैं क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य को पाने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में एक अच्छा प्रबंधन का उदाहरण दे रहे हैं अगर वो कार्य हम प्रभावपूर्ण तरीके से करते हैं दक्षतापूर्वक करते हैं तो इसका मतलब हम एक अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हैं प्रबंधन का तो प्रबंधन क्या हुआ प्रबंधन हुआ एक गोल एक्टिविटी यानी कि लक्ष्य उन्मुख है इसके अलावा जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधक सामाजिक गतिविधि है सामाजिक गतिविधि हम कैसे कह रहे हैं शायद आप सोच पा रहे होंगे मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि, कि किसी भी संगठन में लोग होते हैं बिना लोगों के कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता जब हम संगठन की बात कर रहे हैं वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं तो लोग क्या हैं कोई भी इंसान एक सामाजिक प्राणी है जब वो सामाजिक प्राणी है तो उसकी कुछ सामाजिक नीड्स भी हैं उसकी सोशल नीड्स हैं जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं तो ह्यूमन बीइंग क्या है एक सोशल बीइंग है उसकी सोशल नीड्स हैं वो आपस में लोगों से बात करना चाहता है फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन रखना चाहता है तो प्रबंधन भी इसी प्रिंसिपल इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ता है प्रबंधन भी मानता है कि हाँ कोई भी इंसान एक सोशल एनिमल है यानी कि उसकी सोशल नीड्स होती हैं उसकी सामाजिक नीड्स होती हैं तो प्रबंधन जो भी कार्य करता है या प्रबंधन जो भी चीज़ें लेकर आता है वो इस चीज़ को सोच में रख कर लाता है इसके अलावा जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन प्रकृति में बहुआयामी है बहुआयामी का मतलब मल्टी और इंटर डिसिप्लिनरी अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी से पहले मैं बात करना चाहूंगी डिसिप्लिन क्या होता है डिसिप्लिन होते हैं अलग अलग विषय तो जब हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट या कि प्रबंधन मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी है तो इसका मतलब है कि प्रबंधन ने प्रबंधन अपने आप में कोई विषय नहीं है प्रबंधन ने अलग अलग विषयों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं बहुत सारा ज्ञान लिया है तब जाकर वह अपने आप में एक सक्षम विषय बन पाया है इस पर हम आगे भी और डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनसे प्रबंधन ने ज्ञान लिया है और अपने आप को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया है तो ये सब तो था प्रबंधन की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि भाई प्रबंधन की प्रकृति है क्या चलिए अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि प्रबंधन बहुआयामी है यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी है जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि प्रबंधन अपने आप में कोई विषय नहीं है प्रबंधन ने अलग अलग विषयों से ज्ञान लिया है और तब जाकर अपने आप को उसने एक विषय के रूप में स्थापित किया है तो पहले अगर हम देखें तो पहला सब्जेक्ट या पहला विषय है एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी होता है मनुष्य जाति का ज्ञान आपने देखा होगा कि पहले हम गोरिल्ला औरपिथिकस और, और उसके बाद हम होमोसेपियंस सेपियंस बने तो ये क्या है ये है मनुष्य जाति का ज्ञान कि कैसे मनुष्य जाति विकसित हुई अब आप कहेंगे इसका प्रबंधन से क्या लेना देना बिल्कुल है प्रबंधन ने एंथ्रोपोलॉजी से ये सीखा कि किस तरीके से मनुष्य अपने आप को विकसित कर रहा है कैसे उसकी सोच विकसित हो रही है कैसे उसकी मानसिकता विकसित मानसिकता विकसित हो रही है तो ये ज्ञान जो किस प्रबंधन ने लिया वो कहाँ से लिया वो लिया एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मनुष्य जाति के ज्ञान से मनुष्य जाति के विषय से अब दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां से प्रबंधन ने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है वो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या आप किसी भी संगठन की कल्पना कर सकते हैं बिना अर्थशास्त्र के नहीं तो किसी भी संगठन की अगर कल्पना बिना अर्थशास्त्र के नहीं की जा सकती तो प्रबंधन की कैसे की जा सकती है प्रबंधन ये समझाता है कि कोई भी कार्य अगर हमें दक्षता पूर्वक करना है तो किस तरीके का अर्थशास्त्र उसमें जरूरत है अगर हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कोई भी संगठन इस पर्यावरण में अपने आप को स्थापित कर पाएगा नहीं तो दूसरा विषय जहां से प्रबंधन ने अपने विषय को और विकसित किया है वो है अर्थशास्त्र तीसरा विषय जिस पर जोर थोड़ा सा और डालूंगी जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान कोई भी प्रबंधन को संपूर्ण रूप से करने के लिए इस विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जब आप विद्यार्थियों संगठन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स लेजिटिमेट इलेजिटिमेट जो कि जरूरी है जो अन, बिल्कुल जरूरी नहीं है जो होनी भी नहीं चाहिए सब होता है तो इसको सीखने का ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है पॉलिटिकल साइंस से इसके अलावा प्रबंधन ने जो अपनी विषय को विकसित किया है वो किया है मनोविज्ञान से मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी आप सोच के देखिए कोई एक प्रबंधक तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट होता है कोई एक प्रबंधक बहुत ही लीनियन बहुत ही दोस्त मिलनसार तरीके का होता है तो ये दोनों अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज़ हैं ये दोनों अलग अलग तरीके के लोग हैं लेकिन फिर भी वो लोग लोगों को मैनेज करते हैं अच्छा प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो जो एक और विषय है वो है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान क्योंकि प्रबंधन को पूर्ण रूप से सक्षम करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोगों की मानसिकता कैसी है कैसे उस मानसिकता को हम बदल सकते हैं कैसे उस मानसिकता को हम एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं आखिरी में प्रबंधन ने जहाँ से और ज्ञान अर्जित किया है वह विषय है सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र यानी कि समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से बातचीत करता है किस तरीके के रिलेशन रखता है आपस में टीम में कैसे काम होता है ये सब होता है सोशियोलॉजी समाज शास्त्र तो शायद अब आप समझ पाए होंगे कि मैं क्यों कह रही थी कि प्रबंधन बहुआयामी है यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी है और इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि उस विषय ने बहुत सारे अलग अलग विषयों से ज्ञान लेकर अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित किया है चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रबंधन का महत्व क्या है यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों आजकल हर कंपनी हर व्यवसाय हर कॉलेज यूनिवर्सिटी इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं क्या पुराने जमाने में या पहले प्रबंधन की बात नहीं होती थी होती तब भी थी लेकिन अब क्योंकि हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं तो हम इसको एक पूर्ण रूप में देखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं जिससे कि हम पहले से ही आने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहें तो प्रबंधन क्यों ज़रूरी है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रबंधन हमें यह बताता है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका इष्टतम उपयोग हम कैसे कर सकें यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाए यह प्रबंधन हमें बताता है अगर आपको तो याद हो थोड़ी देर पहले मैंने बात करी एफिशिएंट होने की तो एफिशिएंट होने का मतलब ही यह होता है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें यानी कि संसाधनों का इष्टतम प्रयोग कोई भी प्रबंधन आगे तभी बढ़ पाता है जब वो अपने संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए इसके अलावा प्रबंधन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रबंधन हमें प्रेरणा देता है कि हम कैसे एक अच्छे नेतृत्व में कार्य करें और कैसे एक अच्छे नेतृत्व में आगे बढ़ें यानी कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप और मोटिवेशन की बात करता है प्रबंधन एक तरीका है जिससे हम अपने व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों से यानी कि एम्प्लॉयज़ को एक साथ प्रेरित कर सकते हैं उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें इसके अलावा प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रबंधन एक सामान्य लक्ष्य एक कॉमन गोल की बात करता है वो बात करता है कि हम सबको मिलजुल कर एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ना है तो ये एक और ज़रूरी बात होती है प्रबंधन की प्रबंधन इसके अलावा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रबंधन हमें विकास की ओर लेके जाता है प्रबंधन हमें यह सिखाता है कि क्यों विकास ज़रूरी है और हमें एक व्यवसाय के रूप में अपने आप को क्यों विकास के साथ साथ ढलना ज़रूरी है अगर हम विकास को नहीं ग्रहण करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे तो प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रबंधन हमें यह बताता है कि हम कैसे ग्रो करें हम कैसे विकास करें हम कैसे बदलाव लाएं अपनी कंपनी में अपने व्यवसाय में इसके अलावा प्रबंधन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें समझाता है वो हमें सिखाता है कि कैसे हम फोरसाइट दूरदर्शी हो सकते हैं हम कैसे फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकते हैं मैं फिर से सैमसंग का नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे वो क्यों अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए अपने आप को स्थापित कर पाए इस पर्यावरण में जहाँ पे हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है क्योंकि वो कही न कहीं ना कहीं दूरदर्शी थे वो सोच पा रहे थे कि आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उपभोक्ता क्या चीज़ देखना चाहता है अपने हाथ में तो यही है अच्छा प्रबंधन तो प्रबंधन हमें बताता है कि हम कैसे दूरदर्शी बनें इसके अलावा प्रबंधन सामंजस्य बिठाने के एक तरीका है अलग अलग कार्यों में जैसा मैंने कहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्यवसाय में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट और वो तीनों चारों पांचों डिपार्टमेंट्स मिलकर कैसे काम करें यह प्रबंधन से ही आता है इसके अलावा मैं आखिरी में एक और चीज कहना चाहूंगी कि प्रबंधन जो होता है वो जीवन स्तर में सुधार करता है अब आप कहेंगे जीवन स्तर में कैसे सुधार करता है आप सोच के देखिए एक अच्छे प्रबंधन से आप अपनी व्यवसाय को आगे लेके जाएंगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे जब ग्रोथ होगी तो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा तो आपका वहां के लोगों का जो कंपनी में कार्य करते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उनका जीने का स्तर बढ़ेगा तो अच्छा प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता है अच्छा प्रबंधन इंडिविजुअल लेवल पर भी लोगों का जीवन स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है तो अब आप शायद समझ पाए होंगे कि एक व्यवसाय में प्रबंधन की कितनी महत्ता है तो इसलिए प्रबंधन बहुत ज़रूरी है अब आगे हम बात करेंगे कि प्रबंधन के कार्य क्या हैं यानी कि मैनेजमेंट फंक्शंस अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग बात कही है लेकिन जहां पर सभी लोग एक कॉमन पैरामीटर पर आते हैं वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी कि प्रबंधन के कार्य हैं वो पांच भागों में विभाजित हैं सबसे पहला कार्य होता है प्लानिंग यानी कि नियोजन आप सोच के देखिए आप कोई भी कार्य बिना प्लानिंग के करिए तो क्या आप एंड तक पहुंच पाएंगे मुश्किल है तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी संगठन की तो वो क्या करता है अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और कोई भी अच्छा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम प्लानिंग की बात कर रहे करते हैं गोल्स की बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा आता है स्मार्ट गोल स्मार्ट गोल होता है जहाँ पर हम प्लानिंग करते वक्त ये सोच पाए कि जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य है क्या उस लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है क्या वो लक्ष्य को हम माप सकते हैं क्या हम वो लक्ष्य रियलिस्टिक है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपना लक्ष्य ऐसा बना रखा है जो शायद एक नॉर्मल इंसान के लिए पा पाना बिल्कुल नामुमकिन है तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना है प्लानिंग करते वक्त कि हमारे जितने भी लक्ष्य हैं क्या वो समय में है यानी कि टाइम बाउंड है ऐसा थोड़ी ना कि आप कोई भी लक्ष्य बना लीजिए और उसको कितने भी सालों में पूरा करिए नहीं प्लानिंग करते वक्त हमें यह देखना ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य क्या है हम वो लक्ष्य की प्राप्ति कब तक करेंगे हम वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या संसाधन जुटाएंगे ये सारी चीज़ें होती हैं नियोजन के अंतर्गत यानी कि प्लानिंग तो कोई भी प्रबंधक अगर प्लानिंग करता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसको इन सब बातों पर निर्णय लेना चाहिए अगर कोई भी चीज़ वो मिस करता है छोड़ता है तो इसका मतलब उसके नियोजन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाती है अगर आपने एक अच्छी प्लानिंग कर ली तो उसके बाद जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन देखना कि अब कैसे आप चीज़ों को एक साथ लेकर आ पाएंगे ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन में देखना की बात यह होती है कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवसाय यानी कि संगठन की संरचना कैसे करेंगे क्या आप औपचारिक स्ट्रक्चर यानी कि संरचना बनाना चाहते हैं या अनौपचारिक या फिर दोनों का ही एक मिलन कि कुछ चीज़ें आप औपचारिक तरीके से करते हैं कुछ चीज़ें आप अनौपचारिक तरीके से करते हैं इसके अलावा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में ये भी आपको देखना होता है कि कौन कौन सी अलग पद आप अपनी कंपनी में रखेंगे यानी कि कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे लोगों को रखेंगे कितने स्तर कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप अपनी कंपनी में लेकर आएंगे कौन सी संरचना होगी टॉल स्ट्रक्चर बनाएंगे या वाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में हमें इन सब बातों का निर्णय लेना होता है कि क्या डेजिग्नेशन होगा क्या पद होगा कौन सा आ, कौन सा तरीका आप अपनाएंगे डिसीजन मेकिंग के लिए क्या निर्णय एक ही के हाथ में होगा या निर्णय अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पर ले पाएंगे तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग अब इसके अलावा एक प्रबंधक का कार्य क्या है एक प्रबंधक का कार्य है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग जब हम नियुक्तिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब सही जगह पर सही इंसान को कार्यरत होना सही समय पर आपको ज़रूरत है आज किसी इंसान की कि वो काम करे कि वो उस पद पर आए लेकिन आपकी कंपनी एक महीने बाद उस इंसान को लेकर आती है तो इसका मतलब एक महीने तक आपके व्यवसाय में उस पद पे जो इंसान बैठकर वो काम कर सकता था वो कार्य नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा आपके कॉमन गोल पर तो स्टाफिंग का मतलब होता है सही समय पर सही इंसान सही तरीके से आप बिठा पाए उस पद पर जो कि आपने ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया है इसके अलावा जो चौथा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी प्रबंधक का वो होता है निर्देशन डायरेक्टिंग निर्देशन उसे डायरेक्ट करना उसे समझाना अपने एम्प्लॉय को कि कौन से रास्ते पर चलकर हम कॉमन गोल की प्राप्ति कर सकते हैं जब भी हम डायरेक्शन या निर्देशन की बात करते हैं तो निर्देशन वही दे सकता है जो उस चीज़ में सक्षम हो जो खुद में ही प्रेरणादायक हो जो दूसरों को प्रेरणा दे सके जो दूसरों को सही राह दिखा सके अगर उसके एम्प्लॉयज़ गलत राह पे जा रहे हैं तो उनको वापस लाकर सही राह पे ले सके ले जा सके अगर आखिरी में जाकर आप अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि आपने काम अच्छा नहीं किया तो आप एक सही निर्देशक नहीं हैं अच्छा निर्देशक तो वो होता है जो समय रहते अपने एम्प्लॉयी को ये बताए अपने लोगों को ये बताए कि आप यहाँ गलत जा रहे हैं आप ऐसे सही कर सकते हैं इसके अलावा जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने अच्छा नियोजन किया है हमने अच्छी प्लानिंग करी है अच्छे लोग हैं हमारे पास अच्छा स्ट्रक्चर अच्छी संरचना बनाई है अच्छा प्रेरण अच्छी अच्छी प्रेरणा दी है तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं वह यह भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हर स्तर पर नियंत्रण की भी ज़रूरत होती है हाँ मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज कंट्रोलिंग करें लेकिन एक प्रबंधक को ये देखना चाहिए एक नियंत्रण होना चाहिए उसका अपने लोगों के ऊपर उस कार्य के ऊपर नहीं तो जो भी आपने पूरा संयोजन किया है वो संयोजन फेल हो जाता है तो शायद आप समझ पाए होंगे कि अगर आप प्रबंधक बनना चाहते हैं तो ये पांचों कार्य आपको दक्षता पूर्वक करने चाहिए और करने पड़ेंगे तो एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए आपको ये सारे कार्य दक्षता पूर्वक करने हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रबंधन के स्तर की यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी व्यवसाय में या संगठन में आप देखेंगे कि अलग अलग स्तर होते हैं अमूमन आप देख पाएंगे कि एक संगठन को तीन स्तरों में बांटा जाता है उच्च स्तर मध्य स्तर और पर्यवेक्षी स्तर जब भी हम तीनों स्तरों की बात करते हैं तो इन तीनों स्तरों पर अलग अलग तरीके के प्रबंधक होते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है उनका अलग अलग तरीका होता है उस कार्य को करने के लिए तो अब हम समझते हैं कि अगर आप एक उच्च स्तर पर प्रबंधक हैं तो आपको किन नामों से बुलाया जा सकता है और आपका कार्य क्या होगा आपको कार्य करना क्या होगा देखिए जब हम प्रबंधन के कार्य की बात कर रहे हैं तो पांचों फंक्शंस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े वो कहीं ना कहीं आपको हर स्तर पर रहकर करने हैं लेकिन हाँ ये ज़रूर बदल जाता है कि अगर हम नियोजन की बात कर रहे हैं तो उच्च स्तर पर एक अलग तरीके का नियोजन होगा जो कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी जो कि कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में संरचना करनी होगी जो कि किसी भी व्यवसाय का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक संरचना कैसी होगी वो निर्णय लिया जाएगा और अगर हम सबसे निचले स्तर की बात करें यानी कि प्रचालन या पर्यवेक्षी स्तर की बात करें तो उस स्तर पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक निर्णय नया लेते हुए आप बहुत ही रूटीन जो कि रोजमर्रा के निर्णय होते हैं वो आप लेंगे तो चलिए पहले बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधन की या फिर उच्च स्तरीय प्रबंधक की टॉप लेवल मैनेजर किसी भी व्यवसाय में या संगठन में आप देखेंगे कि जो भी उच्च स्तर पर होता है उसको हम प्रेसिडेंट या प्रधान उप प्रधान इन सब के डेजिग्नेशंस के नाम से या पद के नाम से जाना जाते हैं अब इनका कार्य क्या होता है इनका कार्य होता है पूरी संगठन की पूरे संगठन की संरचना को निर्णय लेना कि कैसी संरचना होगी कार्य क्या करेंगे हम गोल्स क्या रहेंगे हमारे जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर किसी कंपनी का या संगठन का होता है या दूरदर्शी प्लानिंग या नियोजन करना की बात होती है वो की जाती है उच्च स्तरीय प्रबंधकों के हाथों वो करते हैं उच्च स्तर के प्रबंधक इसके अलावा जो मध्य स्तर होते हैं मध्य स्तर प्रबंधक या मध्य स्तर प्रबंधन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक कड़ी होती है उच्च स्तर प्रबंधक और पर्यवेक्षी प्रबंधक के बीच की मध्य स्तरीय प्रबंधक का काम होता है कि जो भी निर्णय संरचना या गोल्स या लक्ष्य से रिलेटेड लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें जो कि उच्च स्तर वालों ने लिए थे अब वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे मध्य स्तर वालों के मध्य स्तरीय प्रबंधक से अब आप कहेंगे कि पर्यवेक्षी अथवा प्राचलन प्रबंधन कौन होते हैं पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन प्रबंधक होते हैं जो कि रोजमर्रा का काम संभालते हैं जो ग्रास रूट लेवल पर रहकर काम करते हैं जो कंपनी में फोरमैन या सुपरवाइजर के नाम से भी जाने जाते हैं उनका कार्य होता है कि वह रोजमर्रा की सारे कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाएं उनकी परेशानियां सुने उनको मोटिवेट करें यह कार्य आता है पर्यवेक्षी अथवा प्राचालन प्रबंधक का तो अब जब भी हम प्रबंधक की बात या प्रबंधन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी तौर पर हम इसको तीन स्तरों में विभाजित करके रखते हैं चलिए अब आगे हम बात करते हैं विज्ञान या कला के रूप में प्रबंधन इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि प्रबंधन कला है या विज्ञान है तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि विज्ञान होता क्या है तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे हमने प्रबंधन को विज्ञान के रूप में रखा है या विज्ञान के रूप में देख सकते हैं तो पहले यह जानना जरूरी है कि विज्ञान क्या है विज्ञान होता है ज्ञान का व्यवस्थित निकाय यानी कि सिस्टेमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज आप विज्ञान की जब बात करते हैं तो वो किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है एक सिस्टम में चलते हुए एक व्यवस्थित रूप में चलते हुए जो ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं तो प्रबंधन क्या है प्रबंधन भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जब भी हम बात करते हैं कि प्रबंधन में अलग अलग विषय आए तो अलग अलग विषय एक व्यवस्थित रूप में आए हैं एक व्यवस्थित रूप में हम आगे बढ़ते हैं इसके अलावा हम क्यों कहते हैं कि प्रबंधन विज्ञान है क्योंकि विज्ञान बेस होता है वैज्ञानिक अवलोकन पर यानी कि साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन पर इतने बड़े बड़े लॉज न्यूटन्स लॉ सब आगे बढ़े कैसे साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पर वैसे ही मैनेजमेंट में जो भी सिद्धांत आए चाहे वो एफ डब्ल्यू टेलर का सिद्धांत हो चाहे वो एनरी फ्योल का सिद्धांत हो चाहे वो एल्टन मेयो का सिद्धांत हो वह सब सिद्धांत भी आगे बढ़े हैं कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ते हम उन सिद्धांतों की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं हम कहते हैं कि वो सार्वभौमिक हैं तो किस बेसिस पर हम कह पा रहे हैं क्योंकि हमने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया है और उसके साथ साथ रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन भी किया है और उसी के बेसिस पर हम कह पाते हैं कि प्रबंधक भी विज्ञान है प्रबंधक के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांत जैसे ही हैं इसके अलावा हमने जो भी प्रबंधन के सिद्धांतों की बात करी उनको कई जगहों पर वेरीफाई किया हमने उनको कई जगहों उन सिद्धांतों को उन प्रथाओं को सत्यापित किया है और उन्हें सत्यापित करने के बाद ही हम कह पा रहे हैं कि इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रबंधन की तो हाँ प्रबंधन भी विज्ञान की तरह सार्वभौमिक है तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रबंधन भी कुछ हद तक विज्ञान ही है हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रबंधन पूरी तरह से विज्ञान है क्योंकि कुछ जगहों पर सिचुएशन संसाधन इनके अनुसार चीज़ें थोड़ी बहुत बदलती हैं लेकिन अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं जब हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं जिस बेसिस पर हम प्रबंधन के सिद्धांतों की पूर्ति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही बैठती है जैसे कि हम विज्ञान के सिद्धांतों की पूर्ति करते हैं चलिए अब जानते हैं कि प्रबंधन एक कला कैसे है हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट कला क्या होती है कलाकार की एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस पर वो अपनी कला को स्थापित करता है कोई भी कलाकार होगा उसके पीछे कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है चलिए आप अगर हम ये उदाहरण लें डॉक्टर का तो एक डॉक्टर क्या है आप कहेंगे कि डॉक्टर तो विज्ञान के बेसिस पर है या पढ़ कर आया है या शिक्षा अर्जित करी है बट उसके साथ साथ सोच के देखिए चार डॉक्टरों ने एक ही जगह से एक ही स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई करी लेकिन जब वह ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो उनका ऑपरेशन करने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर बेस होता है अगर उनके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकते तो वह भी एक कलाकार हैं चाहे वो म्यूजिशियन हो चाहे वो आर्टिस्ट हो कोई भी हो यह सब कलाकार हैं प्रबंधन भी कला है क्योंकि प्रबंधन भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे बेस्ड है इसके अलावा जब भी हम कला की बात करते हैं तो कला क्या है क्रिएटिविटी रचनात्मकता किसी भी इंसान की तो प्रबंधक क्या करता है प्रबंधक अपने क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक आइडियाज़ लेकर आता है और अपनी कंपनी को अपने संगठन को विकास की ओर बढ़ाता है और सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर रचनात्मकता नहीं जब भी हम प्रबंधन को कला कहते हैं तो उसमें एक और चीज़ है यानी कि व्यक्तिगत गतिविधि पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी हर मैनेजर हर प्रबंधक अपने आप में अलग है उसका प्रबंध करने का तरीका अलग है उसका मैनेज करने का तरीका अलग है बात करने का तरीका अलग है सोचने का तरीका अलग है तो जब तरीके सबके अलग अलग हैं तो ये क्या हुआ पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी कला क्या होती है वो भी एक पर्सनलाइज एक्टिविटी है चार कलाकार हैं जो पेंटिंग बनाते हैं लेकिन एक मॉडर्न आर्ट बनाता है एक ट्रेडिशनल बनाता है और बाकी अलग अलग बनाते हैं तो ये उनकी पर्सनलाइज एक्टिविटी है कोई इंसान किसी चीज़ में दक्ष है तो कोई किसी चीज़ में तो ये उनकी पर्सनलाइज एक्टिविटी है इसके अलावा हम प्रबंधन को क्यों कला कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से एक कलाकार तभी कलाकार के रूप में स्थापित होता है जब वह कंटिन्यूस प्रैक्टिस यानी कि निरंतर अभ्यास करता है वैसे ही प्रबंधन भी तभी आता है जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं और आपका प्रबंधन करने का तरीका ऐसे ही अच्छा होता जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधन जो होता है वह कला भी है अब हम आखिरी में बस एक बात और करेंगे जो है प्रबंधन एक पेशे के रूप में कि कैसे हम कह पा रहे हैं कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है प्रोफेशन यानी कि पेशा अब देखिए जब भी हम किसी पेशे की बात करते हैं तो पेशा किस पर बेस्ड होता है एक स्पेशलाइज नॉलेज पर तो हाँ बिल्कुल मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइज नॉलेज है और प्रोफेशन भी एक स्पेशलाइज नॉलेज पर होता है जैसा कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंट को पढ़ाई करनी पड़ती है अपनी पूरी एक स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है तभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाता है और इसके अलावा एक और चीज़ अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो एक प्रवेश परीक्षा होगी जिसमें आप अगर उत्तीर्ण करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं तभी आप सी के रूप में स्थापित हो सकते हैं वैसे ही प्रबंधन में भी आप अगर मैनेजमेंट की शिक्षा या कि प्रबंधन की शिक्षा को ग्रहण करेंगे पाएंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं कोई भी इंसान आकर मैनेजर या प्रबंधक नहीं बन सकता एक रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन होता है उसका जैसे कि भारत में भी अब आईमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन धीरे धीरे अपने इस स्तर को बढ़ा रही है कि हर जगह हर संगठन में जो भी मैनेजर काम करे वो कहीं ना कहीं उस तरीके के एडमिशन के थ्रू उस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़े इसके अलावा प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे कि अगर आपको लॉयर बनना है भारत में तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा तो वैसे ही आइमा भी अपना ही एक कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आ रही है मैनेजमेंट के प्रबंधन के लिए तो प्रबंधकों के लिए कौन सा वो एसोसिएशन है कौन सा वो परिषद है आईमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी प्रोफेशन या किसी भी पेशे में एक नैतिक आचार होता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि आप डॉक्टर बने डॉक्टर जब आप बने तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं तो वो आपको पालन करना पड़ेगा तो जैसे कि प्रोफेशन में उन्होंने एक कोड ऑफ़ कंडक्ट बनाए तो कोई भी इंसान जब डॉक्टर बनता है तो उसे वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ता है वैसे ही आयमा ने भी मैनेजर्स यानी कि प्रबंधकों के लिए एक कोड ऑफ़ कंडक्ट बनाया है कि अगर आप एक मैनेजर हैं यानी कि प्रबंधक हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा इसके अलावा आखिरी में मैं एक और पॉइंट की बात करूंगी जो है प्रोफेशनल फीस हाँ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपनी एक प्रोफेशनल फीस लेते हैं चाहे आप डॉक्टर ले लीजिए चाहे आप लॉयर ले लीजिए वो लोग जो भी आपको सर्विस देंगे उसकी वो प्रोफेशनल फीस लेते हैं अब आप कहेंगे कि नहीं मैम अब आप कहेंगे कि नहीं मैनेजर जो होता है मैनेजर कहाँ फ़ीस लेता है किसी भी कस्टमर से किसी भी उपभोक्ता से हाँ मैं बिल्कुल मांग कहूँगी कि मैनेजर या कि प्रबंधक बहुत सारी जगहों पर डायरेक्ट तरीके से उपभोक्ता से फीस नहीं लेता लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जो उसको सैलरी मिलती है वो क्या मिलती है वो उपभोक्ता ने जो सामान खरीदा और वो कंपनी के पास गया और उन सब चक्रों से गुजरते हुए वो आया एक प्रबंधक के पास इसके अलावा मैं एक और उदाहरण दूंगी जहां पर प्रबंधक डायरेक्ट प्रोफेशनल फ़ीस लेता है वो होती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज जहां पे वो कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है वहां पर वो अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में रखता है जहां पे वो प्रोफेशनल फ़ीस भी चार्ज करता है तो हाँ हम कह सकते हैं कि प्रबंधक एक पेशा भी है मतलब मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन विद्यार्थियों मुझे लगता है कि आप लोगों को इस सत्र में जो हमने प्रबंधन की अवधारणा की बात करी यानी कि कॉन्सेप्ट और महत्व इम्पॉर्टेंस की बात करी आपको वो समझ आया और इसके अलावा हमने निम्न स्तरों की भी बात करी है और हमने ये भी विकसित किया कि कैसे हम प्रबंधन को पेशा कला या विज्ञान मानते हैं धन्यवाद thank you